साथियों, नालंदा जिला में नगर नौसा आज हम प्रखंड दिखला रहे हैं नालंदा में जिला का नगरनौसा कारंगी थाना, थाना जहां में पर पुलिस की गुंडागर्दी, एक यानी दलित को पीट पीट कर कि हत्या गणेश कर दिया गया। रविदास और जी को आज पुलिस न्यूज पर दिखाया जा रहा प्रशासन है, के द्वारा एक कहावत है कि उल्टे चोर पीट कोतवाल को पीट पकड़े। एक कर पैसा तंत्र अभी भी हत्या नालंदा में चला, जहां पर कर नीतीश कुमार दी गई। गृह जिला है, वहां पर आपको एक दलित बता को पीट दें पीट कर हत्या करो। उन दलित गणेश का नाम है रविदास गणेश रविदास, उनके परिजन जो यहां पर आए हुए हैं जदयू के और उसको महादलित प्रकोष्ठ के पैसा तंत्र पर प्रखंड उनका अध्यक्ष कोई थे गलती नहीं था। एक शक के आधार पर उनको पकड़ा और गया था और थाना में लाया गया था और वो जो समय सही जदयू के सलामत थे, प्रखंड लेकिन रात को चला पता था उनकी महादलित मृत्यु प्रकोष्ठ हो के गया। अध्यक्ष मृत्यु कैसे हुआ होते ये हुए थाने भी लोग दिखा रहे हैं कि वो उनको हत्या कर लिया, फांसी लगा दिया। पीट कर आखिर हत्या थाना कर में दी गई। फांसी का फंदा आया ये तो कहां से आया, परी इस साजिश के बिहार तहत की इसको सबसे पीटा गया है। एक दलित होने के शर्मनाक नाते और उनके परिजन निंदनीय भी यहाँ इस घटना बात को गवाह दे रहे हैं। जो क्या नीतीश उनको कुमार पीटा गया थाना माननीय में ना? नीतीश कुमार थाना के लोग पीटे हैं, थाना के आदमी जिस जिला से बारह बिलोंग बाबू करते हैं सब मिलके उसको उसी जिला दरोगा के सब मिलके मारा है, उस लड़की जिला के बाप में भी मारा है, आके दलित भाई भी समाज मारा की है, आके और उनके सब पार्टी के परिवार जदयू मारा है, कार्यकर्ता नरेश राव की नाम है, एक रक्षा लड्डू नहीं नाम कर सकते है, हैं तो क्या अपने बिहार पानी वासियों नाम की है, कैसे रक्षा करेंगे? कमलेश नाम है, और ये ठाकुर नाम पर है। तो जी हाँ, देख लीजिए, यही नालंदा है जहाँ पर नीतीश कुमार का गृह जिला है, वो बिहार के बहुत बड़ी सरकार है, नीतीश कुमार की गृह जिला और गृह जिला में कैसा तमाम बिहार वासियों को की छुट्टी, बिहार के पैसा तमाम देखकर वासियों को किसी को सकता है उसकी हत्या सोचना करते। चाहिए कैसी व्यवस्था ये नालंदा जिला में बना चुका है, जिला जहाँ पे हो नगर घर है, गृह जिला में क्या होगा, बिहार की अन्य जिला में क्या होगा, दलितों के प्रति प्रतिपर्ता वहाँ से लेकर समाज के लोगों की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, जो वहाँ के पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है, पुलिस कस्टडी में ले जाती है, पुलिस दिखाना चाहिए कि उनका आत्महत्या खुद किया है, लेकिन ऐसा गलती है, उन्होंने जानबूझकर इस गणेश रविदास को पीट पीट कर थाना में हत्या कर दिया गया। ये आत्महत्या किया है आप बता दे, यानी कि हाजत में क्या आत्महत्या कर लेगा कैसे? ये बहुत बड़ी ये साजिश है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया था प्रशासन को और हत्या करने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। ये नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, अगर अपने शासन और प्रशासन को सुधार लीजिए, अन्यथा भीम आर्मी खुली चुनौती देती है, ये पूरे बिहार में आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और आपको बता दे, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है आप में तो आप इस्तीफा दे दे, अन्यथा मैं चंदन कुमार पासवान भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष आपसे इस्तीफा मांगता हूं और आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर देंगे और भीम आर्मी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी, या अपनी प्रशासन व्यवस्था को संभाल कर रखें।